कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए पार्टी पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा सम्मेलन करने जा रही है। इसी को लेकर आज बुलंदशहर और 15 नवंबर को मुरादाबाद में होने जा रहे इन कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। दरअसल पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में आम जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास किया है। वहीं संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत पार्टी ने जिला, ब्लॉक, न्याय पंचायत से लेकर ग्राम सभा तक कर्मठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की फौज तैयार की है। चाहे कोरोना का संकट रहा हो या किसानों का दामन, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल रहा हो या सूबे में बढ़ता अपराध या फिर बेरोजगारी की लड़ाई, कांग्रेस के सिपाही हर मोर्चे पर संघर्ष करते हुए जनता के शोक को शक्ति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस महासचिव, आपको बता दें, प्रियंका गांधी यूपी मिशन पर जुट चुकी हैं। मिशन यूपी पर कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। बुलंदशहर और मुरादाबाद में प्रतिज्ञा सम्मेलन होगा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से जोर लगा रही है कि वहां पर जीत हासिल हो। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें, बुलंदशहर और मुरादाबाद में प्रतिज्ञा सम्मेलन होगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, देखिए, मिशन यूपी पर कांग्रेस पूरी तरह से जुड़ चुकी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है, क्या कुछ जानकारी? आज प्रतिज्ञा सम्मेलन भी होगा। जी देखिए आयुषी, यकीन तौर पर अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो रैलियों का दौर है वो शुरू कर रही है। लगातार प्रियंका गांधी पुरजोर तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होती नजर आई है जी। और अब जिस तरह से चुनाव के समय नजदीक आता जा रहा है, तो वो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पुरजोर तरह से प्रयास कर रही है कि एक बड़े जनाधिकार के साथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। यही कारण है कि लगातार जन समर्थन पाने के लिए प्रियंका गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं। और ये जो रैली है ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जो संगठन के जो पदाधिकारी है, जो क्षेत्र के जो पदाधिकारी है, जो पंचायत के जो पदाधिकारी है, उन सभी लोगों के साथ बैठ कर प्रियंका गांधी बैठक करेंगी और उसके साथ ही मूल मंत्र भी देंगी कैसे योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाना है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए विरोध की, फिर वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर कोरोना का संकट हो या फिर किसानों की बात हो जी, लगातार तमाम महिला सुरक्षा की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आई है। और यही कारण है कि लगातार ये प्रियंका गांधी का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पुरजोर तरह से विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सत्ता पर काबिज हुआ जाए, लगातार मूल मतलब देती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी। लेकिन आगामी चुनावों में कितना निर्णायक हो पाएगा ये दौरा, कितना सफल बना पाएगा ये रैलियां, कितनी सफल बना पाएंगे कांग्रेस को, ये खैर निर्णायक फैसले आने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने यह ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को सीट देने की बात जो प्रियंका गांधी ने की है, वो कहीं ना कहीं तुरुप का कांग्रेस के लिए जरूर साबित हो सकता है। लेकिन जनता का जनाधिकार कितना प्राप्त हो पाएगा, जनता कितना साथ में जुड़ पाएगी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ में, ये देखने वाली बात जरूर होगी। आयुषी जी, शुक्रिया अनिकेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।